ये है सबसे सस्ता पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन। इससे जो पॉपकॉर्न बनता है उसको बेचकर सिर्फ एक सप्ताह में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक सप्ताह में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। ये काफी अच्छे क्वालिटी में पॉपकॉर्न बनाती है और कितना फास्ट बनाएगी अभी आप देखिएगा। ये इलेक्ट्रिक मशीन है जो करंट से चलती है, लेकिन बहुत ही कम इलेक्ट्रिक कंजप्शन होता है। इसके बाद हम आपको एक और मॉडल दिखाएंगे जो गैस से चलता है। इसमें इलेक्ट्रिक का कोई यूज ही नहीं है। इस मशीन का रेट इतना कम है कि यदि आप एक सप्ताह बिजनेस कर लेते हैं तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। पॉपकॉर्न एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है, फिर वो चाहे बच्चे हों या बूढ़े। बताइए करते हैं कि नहीं। तो आप अपने घर में भी मशीन लगाकर पॉपकॉर्न बना सकते हैं। इसके बगल में यहाँ पर देखिए, इन मशीन्स का यूज करके आप पैकिंग कर सकते हैं। ये तीनों अलग अलग मॉडल हैं। चलिए हम आपको इसका पूरा लाइव डेमो दिखाते हैं, आखिर पॉपकॉर्न कैसे बनाना है और कैसे इसे पैक करके मार्केट में सेल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मकई है, पॉपकॉर्न वाली मकई, इसी से पॉपकॉर्न बनता है। इसके साथ ही मैं ऑयल ले लिया है और इसमें हल्दी और नमक भी डालते हैं। चलिए इसमें पॉपकॉर्न बनाते हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले मशीन स्टार्ट करना है। ये देखिए, यहाँ से पावर कार्ड प्लग इन कर दिया है। ये मशीन करंट से चलती है, आपके घर के कनेक्शन में ही आसानी से चल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल डोर लगे हुए हैं और ये प्लेट नीचे आ जाती है। स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है तो बहुत सारा पॉपकॉर्न इसमें आ जाएगा। ये जो पहला बटन दिया गया है, इसको दबाने से एक लाइट ऑन हो जाती है जिससे कि पॉपकॉर्न डिस्प्ले होता है और काफ़ी लंबे समय तक गर्म रहता है। इसको दबाने से रोटेशन स्टार्ट होता है। ये देखिए, हमने स्टार्ट कर दिया है तो ये लगातार रोटेट हो रहा है। अभी आपको क्या करना है, ये जो मकई है इसके अंदर डालना है। यहाँ पर हम एक चम्मच और दो चम्मच डाल देंगे। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा ऑयल, इसमें हम एक एक करके पाँच चम्मच डाल देंगे। अभी हमने ऑयल डाल दिया है। इसके बाद कलर और टेस्ट के लिए इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। इसमें हमने हल्दी डाल दिया जिससे कि कलर काफ़ी अच्छा आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं जिससे कि पॉपकॉर्न का स्वाद एकदम नमकीन जैसा हो जाए। ये हमने नमक डाल दिया। इसमें आप मल्टीपल फ्लेवर के पॉपकॉर्न बना सकते हैं। अभी आप देखिए, इसमें पॉपकॉर्न बनना स्टार्ट हो गया है। जैसे ये गर्म हो जाएगा तो धीरे धीरे पॉपकॉर्न निकलना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार गर्म होने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा और जब एक बार गर्म हो जाएगा तो अगली बार जल्दी जल्दी सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही निकल आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैप लगा दिया है। इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं जिससे कि पॉपकॉर्न बाहर नहीं आएंगे, इसके अंदर ही रहेंगे। अभी आप देख सकते हैं एकदम से गर्म हो चुका है। अभी बस कुछ ही देर में पॉपकॉर्न निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए, पॉपकॉर्न बनना स्टार्ट भी हो गया है, लगातार बन रहा है। अभी सिर्फ 1 से 2 मिनट का समय लगेगा और पॉपकॉर्न बनकर एकदम से रेडी हो जाएंगे। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी कितने तेजी से पॉपकॉर्न बन रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, काफ़ी अच्छे क्वालिटी में पॉपकॉर्न निकलना स्टार्ट हो गए हैं। अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बनकर अपने आप ही नीचे आकर स्टोर हो जाएगा। इसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वालिटी में बन रहे हैं। इसका कलर भी बिल्कुल हल्दी कलर में है, तो नमक और हल्दी का स्वाद एकदम मेंटेन है। पॉपकॉर्न एकदम से रेडी हो चुका है। चलिए इसको पूरा नीचे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से खोलकर आप इसका पूरा पॉपकॉर्न निकाल सकते हैं। अभी ये दूसरा बैच बनाने के लिए एकदम से रेडी है, क्योंकि दूसरा बैच बना रहे हैं तो पहले से ही गर्म है, उतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि पहले बैच में लगा था। चलिए इसमें मकई डाल देते हैं और आपको पैक करके दिखाते हैं आखिर आप किस तरीके से पैक करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अभी हमने रोटेशन स्टार्ट कर दिया है और थोड़ा सा नमक और हल्दी भी डाल देंगे जिससे कि स्वाद बिल्कुल मेंटेन रहे। चलिए इसका कवर बंद कर देते हैं। अभी सिर्फ 2 मिनट का वेट करना है और 2 मिनट के बाद आप देखेंगे पॉपकॉर्न निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने स्पीड में पॉपकॉर्न बन रहा है। जैसे ही ये बाउल ऊपर हो जाएगा तो ये अपने आप ही बाहर निकलने लगेगा। ये देखिए किस तरीके से निकल रहा है। दूसरे बैच में सिर्फ 2 मिनट का ही समय लगता है, क्योंकि बाउल तो पहले से ही गर्म है। और 2 बैच में ही आप देख सकते हैं कितने अधिक क्वांटिटी में पॉपकॉर्न तैयार हो चुका है। इसका बाउल छोटे साइज का है, इसमें आप एक ही बार में 250 ग्राम मकई डाल सकते हैं। लेकिन ये जो बड़े साइज का गैस वाला मॉडल है, इसमें आप एक ही बार में 0.5 किलो मकई डाल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 0.5 किलो। तो गैस स्टार्ट करने के बाद इसमें हम वही चीज़ें डालेंगे जो हमने इलेक्ट्रिक वाली मशीन में डाला था। तो चलिए इसमें मकई डाल देते हैं। इसमें आप अधिक क्वांटिटी में मकई डाल सकते हैं, सबसे बड़ा फायदा यही है, जिससे कि टाइम कम लगता है और प्रोडक्शन अधिक होता है। अभी इसमें ऑयल डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक और साथ ही में हल्दी भी ऐड कर दीजिए। ये सभी चीज़ें डालने के बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, इसको घुमाते जाना है जिससे कि बस कुछ ही मिनट में गर्म होकर पॉपकॉर्न एकदम से तैयार हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं पॉपकॉर्न से पूरा बाउल भर गया है। निकालना बहुत ही आसान है, इसे आप उठाकर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए, एक ही बार में काफ़ी अधिक क्वांटिटी में पॉपकॉर्न बन गया है। छोटे और बड़े पैकेट बना लीजिए जिससे कि सेलिंग करने में आसानी हो जाए। अभी इसको पैक कैसे करना है, चलिए हम आपको बताते हैं।
यदि आप किराना की दुकान में, सिनेप्लेक्स में, चौराहे में या फिर रेलवे स्टेशन वगैरह में सेल करना चाहते हैं तो इस तरीके के ग्लास में भर कर सेल कर सकते हैं। छोटे और बड़े दोनों साइज में बना लीजिए और 5 से 10 रुपए में बेच सकते हैं। सिंपली इसको भरना है, चलिए हम आपको सैंपल दिखाते हैं। इस तरीके से आप ग्लास में भर लीजिए और यहाँ बगल में आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक ग्लास सीलिंग मशीन है जो इस तरीके के ग्लास को एकदम से पैक करती है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, सिंपली बस मशीन स्टार्ट कर दीजिए और यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं प्लास्टिक का रोल लगा हुआ है जो ग्लास को सील करके एकदम से पैक कर देता है। तो जिस ग्लास में हमने पॉपकॉर्न भरा है इसे यहाँ रखेंगे। अभी यह मशीन अंदर जा रहा है और ये देखिए सीलिंग स्टार्ट हो गई है। बस कुछ ही सेकंड में देखिए कितने बढ़िया क्वालिटी में सील हो गया है। इस तरीके से सील करके आप इसे 5 रुपये में बेच सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए 2 मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, एक यह पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन और दूसरी यह ऑटोमेटिक सीलिंग मशीन। इन दोनों का यूज़ करके आप घर में ही ग्लास पैक करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक वाली मशीन है ये 16,000 की आती है और यहाँ पर आप जो पैकिंग करने वाली मशीन देख रहे हैं ये फुली ऑटोमेटिक है जो कि 25,000 की आती है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये सेमी ऑटोमेटिक सीलिंग मशीन है, ये 16,000 की आती है। और इसके अलावा यदि आप मैनुअल मशीन लेना चाहते हैं, इसमें आपको घुमाना पड़ेगा, ये मशीन आएगी सिर्फ 12,000 रुपये की। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने बोला था कि 1 सप्ताह में इन्वेस्टमेंट निकल आएगा, तो ये कैसे निकलेगा? देखिए ये जो गैस वाला मॉडल है ये मशीन आपको सिर्फ 8,000 रुपये में मिल जाएगी। जी हाँ बिल्कुल 8,000 रुपये में, और 6 से 7 घंटे मशीन चलाकर आप रोजाना 1,000 से 1,500 रुपये कमा सकते हैं। तो 1 सप्ताह में ही आपका इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। अब मेन चीज़ आती है पैकिंग की। सर ये पैकिंग मशीन तो बहुत महंगी है, तो देखिए इसका हम एक दूसरा सिस्टम लेकर आए हैं, यह सीलर मशीन। इस मशीन का यूज़ करके आप इस तरीके के पाउच में पैक कर सकते हैं। इसमें पैक करना बहुत ही आसान है, जो भी पॉपकॉर्न बनाए गए हैं उसे बस इसमें भर लीजिए। इसे आप 10 रुपये में बेच सकते हैं। अच्छी तरीके से भरने के बाद बस मशीन में लगाइए और इस तरीके से सील कर दीजिए। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सील हो गया है। इस तरीके से आप अपने घर में ही पैक करके अलग अलग दुकानों में बेच सकते हैं। ये सीलर मशीन सिर्फ 2,000 की आती है। यदि आप चाहें तो गैस वाली मशीन और सीलर मशीन का यूज़ करके बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप चाहें तो इलेक्ट्रिक मशीन और इस ऑटोमेटिक ग्लास पैकिंग मशीन को भी लेकर ग्लास में पैक करके अलग अलग जगह बेच सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि ये बिज़नेस सिर्फ 8 से 10,000 रुपये में शुरू हो जाएगा और आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट बहुत है। यदि आप मशीन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉल करके अपनी मशीन आज ही बुक करवा लीजिए। सिर्फ पॉपकॉर्न बनाने की मशीन ही नहीं, इस चैनल में चाहे बात की जाए फूड मशीन्स की, एग्रीकल्चर मशीन, कंस्ट्रक्शन मशीन या फिर डेयरी मशीन, हर एक एक चीज़ बनाने की ऑटोमेटिक मशीन से अवेलेबल है। यदि आपने नहीं देखी है तो जाकर एक बार देखिए। और हाँ, मशीन पसंद आ गई है तो स्क्रीन में आपको लोगो दिख रहा है, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें। पेपर प्लेट बनाने की बहुत ही गजब की मशीन बनाई गई है, स्क्रीन में आपको वीडियो दिख रही है, इसे आप ज़रूर देखिए।